हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं नई जॉब की जानकारी जो NCL द्वारा निकाली गई है। दोस्तों, आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी तथा फॉर्म भरने के बारे में बताया जाएगा, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में डिटेल में। पोस्ट नेम की बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट है, तथा नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें 170 वैकेंसी है। अगर सैलरी की बात करें तो 12,185 रुपये पर मंथ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को इसमें डिप्लोमा पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी और सिलेक्शन प्रोसेस जो है मेरिट बेस्ड होगा। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 2 जून 2019 है, तथा जॉब लोकेशन नेवेली है। जिन लोगों को फॉर्म फिलअप करना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पर जाकर अप्लाई हियर पर क्लिक करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं तथा डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट की। दोस्तों, पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोस्ट है। अगर पोस्ट नेम की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग की टोटल 12 वैकेंसी हैं, तथा सिविल इंजीनियरिंग की 4 वैकेंसी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 15 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 48 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 7 वैकेंसी हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की 4 वैकेंसी हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 73 वैकेंसी हैं, तथा माइनिंग इंजीनियरिंग की 7 वैकेंसी हैं, टोटल 170 वैकेंसी हैं, तथा मंथली स्टाइपेंड जो है 12,185 रुपये है, तथा ड्यूरेशन जो ट्रेनिंग का है 1 साल का है। तथा टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को डिप्लोमा पास होना चाहिए रिलेवेंट रेट में। अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट विल बी फॉलोड एज पर अप्रेंटिस रूल। तो बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना। सबसे पहले आपको mhrdnats.gov.in पर जाना है, फिर उस क्लिक इनरोल पर क्लिक करना है, उसके बाद कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद यूनिक इनरोलमेंट नंबर फॉर ईच स्टूडेंट विल बी जनरेटेड, आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्टेप 2 पे लॉगिन करना है। स्टेप 2 में सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, फिर क्लिक एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, फिर फाइंड एस्टेब्लिश्ड पे क्लिक करना है, उसके बाद अपना रिज्यूम अपलोड करना है, उसके बाद आपको एस्टेब्लिश्ड नेम सेलेक्ट करना है, तथा टाइप NCL इंडिया लिमिटेड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई अगेन कर देना है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पर जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए तथा हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।